गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आज की सुबह पे, और आज के सुबह के जो करंट अफेयर्स हैं उनके साथ डील करते हैं। तो चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले जो भी देख रहा है या जो अभी उठा नहीं है, बाद में देखेगा, उससे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप होमवर्क कर सकें। और जिन्होंने किया है मैं उनके लास्ट में नाम और थैंक यू सो मच जो है उनसे बाद में बात करूंगी, या उनके नाम जो है मैं बाद में अनाउंस करूंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, पे नाउ विद विच इंडिया हैज़ अनाउंस द लिंकिंग ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज़ अ पेमेंट इंटरफेस ऑफ विच कंट्री। पे नाउ जिसके साथ भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है ये? देखिए, ये जो पे नाउ है उसके साथ इंडिया ने यूपीआई को जोड़ने की बात की है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पे नाउ किसका है और किसके साथ, मतलब किस कंट्री का है? तो पे नाउ और जो यूपीआई है इसको इसलिए जोड़ने की बात की है कि फटाफट जो है लो कॉस्ट मनी ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र हो सके। और जिसका रीज़न जो है इसके लिए क्या है कि पे नाउ और यूपीआई जो है ये इसने जो है इसको किसने रिकमेंड किया है? आरबीआई ने, और उनकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ मनी दैट इज़ कॉल्ड MAS, ठीक है। इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है ताकि जो है आने वाले टाइम पे फटाफट मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो पे नाउ कहाँ की है? ये है सिंगापुर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है यूपीआई और पे नाउ जो है, यानी इंडिया एज वेल एज ऑस्ट्रे सिंगापुर जो है, ये लो कॉस्ट ट्रांसफ़र जो है ये फटाफट, ताकि एकदम से जो है इंस्टेंटली पेमेंट कर सकूँ, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। तो आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है हाल ही में? मैक्स वर्स्टैपन, डेनियल रिकार्डियो, लैंडो नॉरिस या लुइस हैमिल्टन? देखिए, अगर देखा जाए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले कौन है, डेनियल रिकार्डियो, जिसने किसको हराया है, लैंडो नॉरिस को, ठीक है। और जो आपकी फॉर्मूला रेट्स है आपकी, उसमें इन्होंने लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टपेन को भी हराया, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला वन रेस है उसमें जो इसके राइवल्स थे वो कौन थे, वर्स्टपेन एज वेल एज लुइस हैमिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच कंट्री हैज़ कमेंस द वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रायल ऑफ ब्लड टेस्ट वेयर दे विल डिटेक्ट मोर देन 50 टाइप्स ऑफ कैंसर्स? देखिए, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो है हाल ही में वर्ल्ड की 50, ये है ग्रेल लैब, ठीक है, जो एट अ टाइम 50 टाइप्स ऑफ कैंसर्स को चेक कर सकती है, कैंसर ब्लड सेल्स को। तो ये क्या है, ये हेल्थ सर्विस ना, कि किस कंट्री ने जो है पहला ट्रायल दिया है ब्लड, वो है आपकी यूनाइटेड, मतलब ये लैब कौन सी है आपकी, ग्रायल लैब, जो आपकी 50 टाइप्स ऑफ कैंसर्स को, मतलब ब्लड टेस्ट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को चेक कर सकती है इन अ 1 मिनट। तो ये सबसे बड़ी लैब है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रायल लैब, और जो कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंफोसिस हैज़ एंटर्ड इनटू द मल्टी लेयर स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट विद ऑस्क्रिट टू एक्सेलरेट इट्स क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ऑफग्रिड के साथ जो है, दे इंफोसिस के साथ, किस संगठन ने अपनी क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज करने के लिए ऑफग्रिड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया है? तो ये कौन सी है, ये है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ये कौन सी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने जो है, माइक्रोसॉफ्ट और इंफोसिस, ठीक है, के हैं आई थिंक इसके मैंडेडला, ठीक है, CEO चेंज हुए हैं। तो उन्होंने जो है इसके मल्टी लेयर स्ट्रैटेजीज बनाने की बात की है, मल्टी लेयर स्ट्रैटेजीज, जो कि एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कौन है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट,
एमिनेंट राइटर अजीज़ हज़ीनी हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट? अजीज़ हज़ीनी की हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये किस स्टेट को बिलोंग या किस यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते थे? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये किसको बिलोंग करते थे? जम्मू एंड कश्मीर। इज द फेमस राइटर पॉइट, ठीक है, ये थे। और ये कौन थे? कश्मीरी राइटर थे, ठीक है। इन्होंने जो है जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एकेडमी में भी पार्ट लिया है। तो दिस इज़ द कौन थे ये? जम्मू एंड कश्मीर के पॉइट और फेमस राइटर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021? स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? एच सी वर्मा, अरविंद केजरीवाल, आनंद महिंद्रा या अनंत कुमार? देखिए, ये जो स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड है दैट फॉलोज सुपर थर्टी, एक पिक्चर भी आई थी ना, उसी से रिलेटेड है। स्वामी ब्रह्मानंद जो है एक ऐसे मैथमेटिशियन टीचर जो मतलब स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से डील करते हैं और जिनसे मैक्सिमम आईआईटी एग्जाम्स क्लियर करने में जिन्होंने स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा हेल्प की है, दैट इज़ द बेस्ट मैथमेटिशियन, उनको मिला है। और आपने एक मूवी देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है मैं उसको बता दूँ, एक सुपर थर्टी मूवी आई थी जिसमें एक टीचर था, ऋतिक रोशन ने पोर्ट्रे किया है, और उसमें बताया गया कि हाउ ही डील विद द स्टूडेंट्स, कितनी टफ सिचुएशन में उसने स्टूडेंट्स को आईआईटी एग्जाम्स के लिए किस तरह से ट्रिक्स सिखाए थे। तो वैसे ही ये ब्रह्मानंद अवार्ड जो है दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ दैट टीचर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, जिसके हिसाब से मैक्सिमम आईआईटी एग्जाम्स क्लियर होते हैं। तो वो कौन है? आनंद कुमार, ठीक है। तो ये एक मूवी पे भी बेस्ड है आपका, ठीक है। विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल सीकिंग एग्जामिशन फ्रॉम द नीट फॉर मेडिकल कोर्सेज एडमिशन? देखिए, ये तो एक बहुत जैसे बोल सकते हैं सोने पे सुहागा है कि इतने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने ये बिल पास किया है कि मेडिकल कोर्सेज में एंट्रेंस लेने के लिए उसको नीट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, नीट से छूट मिलेगी? ऐसा नहीं है कि वो जैसे किसी भी कैंडिडेट को अगर नीट क्रॉस करना था तभी जाकर वो मेडिकल कोर्स में एंटर कर सकता है। तो ऐसा कौन सा बना है फर्स्ट इंस्टीट्यूट या कौन सा स्टेट जिसने नीट की, कोई ज़रूरी नहीं है कि नीट होना ही क्लियर है, ट्वेल्थ के बाद वो मेडिकल कोर्स ले सकता है, वो कौन सा है? तमिलनाडु। आंसर इज तमिलनाडु। ये कौन सी स्टेट बनी है जिसने आपके नीट के एग्ज़ाम्स को जो है ये बिल पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेनी है उसको नीट का एग्ज़ाम नहीं देना? और अभी आपने देखा है कि हाल ही में नीट का एग्ज़ाम भी हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन सेप्टेम्बर 2021? फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड लीडर्स, ये क्वाड लीडर समिट जो है ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे होना है, और इसमें जो है किसने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, ये 24 सितंबर को जो है इस क्वाड समिट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्वाड समिट क्या है? इंडिया है, आपका जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज से बना हुआ है। तो इसमें ये समिट पे पार्टिसिपेट लेंगे 24 सितंबर, और ऑफिशियली लेंगे, नॉट वर्चुअली। तो ये कहाँ, अब किस कंट्री में होने वाला है? US में। कहाँ पे होने वाला है? US में, ठीक है। क्वाड इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चार कंट्रीज़ का एक मिक्सचर, एक समिट बना है, एक कॉन्फ्रेंस या इंस्टीट्यूशन टाइप मान के चलिए। क्वाड इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो चार कंट्रीज़ हैं, US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो अभी सबमिट होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? US में होने वाला है, जिसमें हमारे मिस्टर मोदी भी जो है वहाँ पे जाएंगे, वॉशिंगटन, इसको आप ये बोल सकते हो आप वाइट हाउस, वॉशिंगटन DC, ठीक है। नेक्स्ट, RBI has launched the third cohort under regulatory sandbox. What is the theme of this cohort? कि RBI ने regulatory sandbox के तहत third cohort launch किया है, इस दल का विशेष्य क्या है? तो इस दल का विशेष्य है MSE,
ठीक है, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो कि कब होने वाला है, ये चलेगा 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक 2021. नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. हर साल डेमोक्रेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये जो आपका डेमोक्रेसी डे है ये 2008 से मनाना शुरू हुए, तो ये कब मनाया गया, 15 सितंबर 2021 में जो है डेमोक्रेसी डे जो है आपका मनाया गया. और डेमोक्रेसी वर्ड किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जिसमें ये कहा था डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. और हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया हैज़ डिक्लेयर द इंस्टीट्यूशनल रेगुलर डिफेंस डायलॉग विद विच ऑफ दीज रीजन्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ बाइनियल डेफो एक्सपो मिलिट्री एग्जीबिशन. डिफेंस एक्सपो मिलिट्री एग्जीबिशन जो है उसके रिलेटेड इंडिया ने, भारत ने द्विवार्षिक डेफ एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर इनमें से किस क्षेत्र के साथ नियमित रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने की घोषणा की है, मतलब किस कंट्री के साथ, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट जो थी ये फर्स्ट डेफ एक्सपो जो हुई थी वो फरवरी 2020 में हुई थी, ठीक है. अब जो है ये अब हो रही है, सेकंड जो है ये 2021 में हो रही है, तो ये क्या है आपकी अफ्रीका के साथ हो रही है, दैट इज टू इंडिया एंड अफ्रीका के बीच, ठीक है. और ये जो है आपका जिसमें आप, और ये जो फर्स्ट हुई थी ये हुई थी लखनऊ में, और अब कहाँ है, अफ्रीका के बीच. तो इसमें क्या है कि जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं या डिफेंस को मोटिवेट करने के लिए इनकी जो है डीलिंग चलेगी. हाउ टू प्रमोट डिफेंस इन द कंट्री, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी. राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन जो है वो कहाँ पे रखा गया है, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ या फिर आगरा. तो ये रखा गया है आपका फाउंडेशन स्टोन आपके अलीगढ़ में. कब, 14 सितंबर को रखा गया है 2021 में, ठीक है. तो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर्स हैं. देखिए अभी करंट अफेयर्स में बहुत सिंपल वे से करवा रही हूँ, अभी इसमें जितना इम्पॉर्टेंट है वही बता रही हूँ. बाद में जैसे जैसे सेशंस पढ़ते जाएंगे या फिर जैसे लाइव आएंगे फिर उसके बाद हम डील करेंगे. लाइव फिर कह रही हूँ आप पे डिपेंड करता है आप कितनी शेयरिंग करते हैं. तो चलिए, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड टच सेंसिटिव टेक्टाइल हैप्टिक वॉच फॉर असिस्टिंग विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने दृष्टि बाधित लोगों की सहायता के लिए, ये आपका होमवर्क था और मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अविनाश गंभीर जी थैंक यू सो मच, आपके रिंकू भाटिया जी थैंक यू सो मच, अंजलि कुमकुम थैंक यू, प्रिया डोगरा थैंक यू, प्रीति शर्मा थैंक यू, पावनी कंठा थैंक यू सो मच, कैप्टन स्पार्टन थैंक यू फॉर द मोटिवेशन. सो ऑल, और जितने भी नाम हैं जिनको नहीं मेंशन किया गया उन सभी को तहे दिल से, आशीष भारती आई थिंक, तो उन सभी को तहे दिल से, जितने भी आप सेशंस देख रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक यू. और जिन्होंने इस सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, होमवर्क दे रहे हो, तो ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद है. और मुझे एक चीज़ ये मिल रही है कि आप सुन रहे हो, आपको जो है इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है. तो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए किस इंस्टीट्यूशन, किसने किया है, IIT कानपुर ने, ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक होमवर्क के तौर पे दिया है. मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं एक दिन टेस्ट लेकर आऊँगी, ठीक है. एक दिन हम पूरा मैराथन, एक जैसे बोल सकते हैं कि एक दिन मैं आपके साथ इन सारे क्वेश्चंस को डील करूँगी, जितने भी आपके, मैंने जुलाई से लिया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के सेशंस के साथ डील करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस को डील किया जाएगा. और इन क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशंस भी होंगे, आपको कितना लर्न है वो भी होगा, और फिर उसका टेस्ट होगा. तो आर यू रेडी कि आपको चाहिए ये? तो अगर आप चाहिए, आप चाहते हो कि इसको इंटरैक्टिव वे से बनाया जाए, तो प्लीज़ गाइस शेयर द सेशंस एज वेल एज लाइक द वीडियो, वीडियो को देखिए, ताकि थोड़ा सा टाइम है, आप उस टाइम को लंबा ना कीजिए,
जल्द से जल्द उसको कवर करने की कोशिश कीजिए. विच कंट्री हैज होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2021? तो ये किसने किया है? इंडिया ने किया. विच, और जो सीधा लिख देते हैं ना कि इसका ए बी, मैं सुमन सोनी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये ए बी सी डी ऐसे मत लिखी है, आप क्वेश्चन का सीधा नाम और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे तो आपको भी याद रहेगा. विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इन्फेंट टॉडलर केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड ट्रेनिंग कैपेसिटी? तो ये किसने दी है? नीवा ने. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने जो है ये जो है कहते हैं कि आपकी शिशु बच्चा देखभाल करने के लिए अनुकूल पड़ोस परीक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है. विच कंट्रीज टू लॉन्च राशिद, ये कौन सा है? ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा. तो ये किसने लॉन्च किया है? यूएई ने. ये किसने लॉन्च किया है? यूएई. तो थैंक यू सो मच कि जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया. अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अप्रैल के हैं. वॉट इज एवर गिवन दैट वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? एवर गिवन क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? कोविड वैक्सीन, कार्गो शिप, क्रूज मिसाइल या यूएन रेजोल्यूशन? विच स्टेट हैज अनाउंस टू लॉन्च द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम? किस राज्य ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू करने की बात की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इनमें से कौन सा है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द एंटरप्रेन्योर फॉर द 2020 के लिए EY उद्यमी के रूप में किसे चुना गया है? हरीश मरीवाला, प्रताप चंद्र रेड्डी, बेजू रविंद्रम या पीयूष बंसल? विच आर्म्ड फोर्स हैज डिसाइडेड टू एम्प्लॉय रिटायर्ड कॉम्बैट डॉग्स एज अ थेरेपी डॉग्स? किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू डॉग्स को चिकित्सा डॉग्स के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? दैट इज इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस या इंडो कोस्ट गार्ड? तो ये आपके चार क्वेश्चंस थे. अगर तो आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सिर्फ इतना सा है कि आप अगर शेयर करोगे, आप जितने भी सेशंस देख रहे हो अगर आप शेयर करोगे, रिकमेंड करोगे, तो बहुत जल्दी मुझे अपने साथ पाओगे, और ताकि उन क्लासेस को लेने में मज़ा भी आए. और सबसे बड़ी चीज़ है शेयरिंग, और रिकमेंड कीजिए, और जितना हो सकता है, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, भाई सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, फ़ायदा लग रहा है, तब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है. बस मैं यही कह रही हूँ, आपकी आपकी शेयरिंग और आपकी रिकमेंडेशन और आपकी वॉचिंग पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी आपके सामने कुछ फासला है, सिर्फ कुछ फासला. उस फासले को लंबा ना कीजिए, फासले को जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए. बहुत जल्दी जो है मैं आपके सामने एज ए इंटरैक्टिव पॉइंट से, मुझे भी क्लासेस लेने में मज़ा आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड स्टे ब्लेस्ड.